केजीएफ चैप्टर टू एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसी वस्तु बन चुकी है। आप कभी एनएच पे चले हो, जब आप एनएच पे जा रहे होते हो ना, तो या फिर आप रेगिस्तान में जब जा रहे होते हो ना, तो आपको लगता है कि आगे में पानी है, उस चक्कर में लोग चलते चले जाते हैं। सेम आपके साथ एनएच पे भी होता होगा, आपको लगता होगा कि आगे पानी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा ही कुछ हो रहा है केजीएफ चैप्टर टू के साथ। ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स ने अपनी डबिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन भी जो है वो खत्म ही होने वाला है। तो अब आते हैं कि फिल्म का रिलीज डेट का क्या अपडेट है। फिल्म जो है 16th ऑफ जुलाई को रिलीज हो रही है या फिर डेट आगे बढ़ाया जाएगा, तो इसके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। लेकिन एक डेट जो है वो निकल के आ रहा है, तो वो है 9th ऑफ सितंबर को। जी हाँ, 9th ऑफ सितंबर को फिल्म रिलीज हो सकती है। अभी ऑफिशियल इसका अनाउंसमेंट नहीं है, फिल्म रिलीज हो सकती है। इसके बारे में हमें वेट करना होगा कब, तो 16th ऑफ जुलाई तक वेट करना होगा। उसी टाइम हमें कुछ इस फिल्म के रिलीज डेट से रिलेटेड अपडेट मिलेगा। अभी फिलहाल सिनेमा हाउस खुले नहीं है। कोविड के केसेस जो है वो डाउन है, लेकिन गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो तीसरे वेव को लेके, तीसरी लहर को लेके कोरोना को बहुत ही स्ट्रिक्ट है, अपना रही है। तो ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन फिल्मों के लिए बुरी बात है, फिल्मों के चाहने वालों के लिए बुरी बात है कि फिल्में जो है वो सिनेमा हॉल्स पे रिलीज नहीं हो रही, ओटीटी पे रिलीज हो रही है। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि ओटीटी पे फिल्म को रिलीज कर देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता वो फिल्म ओटीटी पे आएगी। वो सिनेमा हॉल की फिल्म है यार, फिल्म है, मतलब जो चीज जहाँ की है ना, उसको वहीं पे रहने दो। और केजीएफ चैप्टर 2 का ऑडियो राइट्स जो है वो लैरी म्यूजिक को बेच दिया गया है, सभी लैंग्वेज का, साउथ इंडियन लैंग्वेज का जो भी है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, और हिंदी का जो है वो टी सीरीज के पास है। तो लगभग 7.2 करोड़ में इसका ऑडियो राइट्स बिका है, और इसके ऑडियो सॉन्ग्स भी जो है बहुत जल्द रिलीज होने वाले हैं। जी हाँ, ऑडियो सॉन्ग जो है वो पहले रिलीज किया जाएगा। तो यही अपडेट था। और एक अपडेट और भी है कि रॉकिंग स्टार यश जो है, उन्होंने एक नया घर खरीदा है, नया घर खरीदा है जिसका पूजा किया गया था, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे दोनों कपल्स जो है, राधिका मैम है, अपने रॉकी भाई है, काफ़ी साथ में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। भगवान की जोड़ी जो है वो जन्मों जन्मों तक सलामत रखें। और बस अपडेट आ जाए केजीएफ चैप्टर 2 से रिलेटेड, अब रहा नहीं जाता यार, मतलब बेचैन हो गए वो फिल्म देखने के लिए। और क्या ही बोलूँ आपसे मैं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। और अगर आपने मेरा ट्रिपल रेडिंग का रिएक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।